छात्र जदयू ने अपनी एक बैठक आहूत की और बैठक के साथ ही कई मुद्दों पर चर्चा किए। बैठक में जहां छात्र जदयू के कार्यकर्ताओं ने पार्टी के और ज्यादा विस्तार करने के साथ ही मुख्यमंत्री की विभिन्न योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने पर भी विचार विमर्श किए। जय नीतीश कुमार। आज युवा जनता दल यू के प्रधान कार्यालय में जो एक दिवसीय बैठक है, इसमें हमारे सम्मानित जितने भी पूर्व प्रखंड अध्यक्ष हैं, वो जिला के कार्यकारिणी सदस्य लोग और हमारे प्रदेश पदाधिकारी लोग सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं। और यह हमारा आज का बैठक जिले के विस्तार जो आज से 5 दिन पहले हुआ था, उसके मनोनयन के लेटर उनको देने के लिए और जो प्रखंड अध्यक्ष की सूची आज वो हम लोग जारी करेंगे। और नीतीश जी के नीतियों को हर एक प्रखंड में, हर एक पंचायत में, हर एक घर में पहुंचाने के लिए हम लोग युवा जदयू का टीम पूरे भोजपुर में बहुत ही मजबूती से काम करेगी। इसीलिए आज ये बैठक हम लोग रखे हैं और आगे इसी तरह से काम करते रहेंगे और युवा जदयू के और भी आगे ले जाने का काम। ये बताया जाए, आप ही की सरकार है, आप ही का पार्टी यहाँ सर्किट हाउस में बैठक रखे हुए हैं, तो भगा दिया गया आपको क्यों? देखिए, वहाँ से हमको भगाया नहीं गया है, वहाँ से मैं अपने स्वयं स्वेच्छा से वहाँ से निकल गया हूँ, क्योंकि आज वहाँ हमारा बैठक नहीं था। वहाँ आज हमारे विधायक जी आने वाले थे, जनता दल यू के अज्ञा विधानसभा के विधायक प्रभुनाथ जी, आज उनका आगमन था वहाँ, इसलिए हमको हम लोग गृह अतिथि में पहुँचे हुए थे उनके स्वागत के लिए। लेकिन किसी कारणवश आज वो बेरथ गाँव में जो शहीद हुए हैं युवा, उनके पास पहुंच के वो नहीं आ पाए, इसलिए हम अपने लोग स्वेच्छा से वहाँ से निकल गए। आपके साथ डीडीसी के साथ कुछ भाषा वैसी देखे के कारण नहीं, हमारे साथ डीडीसी के साथ भाषा बस से डीडीसी हमसे पूछ लगे कि आप लोग कौन है, क्यों बैठे हुए हैं, तो उनको मैं बताने लगा कि सर हम ये हैं, हमारा युवा जदयू के हम अध्यक्ष हैं और हम अपने माननीय विधायक के इंतजार में यहाँ बैठे हुए हैं, वो आएंगे तो उनसे मुलाकात करनी है बस इसी का। और ज़्यादा विशेष हमारे उनके बीच में कोई वार्तालाप नहीं हुआ, बस पर्चे अपना दिए, बात की। नाम बताओ। चिक्कू सिंह, युवा जनता दल।